हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों के बारे में और उनकी परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो ये न्यूज़ जो हमें दैनिक भास्कर की पेपर से मिला है उसमें छपा है कि 10वीं और 12वीं के पेपर सेटर बोर्ड पैटर्न पर तैयार करेंगे 9वीं और 11वीं के पेपर। जी हाँ, 6 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं 9वीं और 11वीं की, और इस बार जो परीक्षा के पेपर तैयार किए जा रहे हैं वो वही टीचर तैयार करेंगे जो 10वीं और 12वीं के पेपर तैयार कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से बोर्ड पैटर्न पर ही तैयार होगा। जिस पैटर्न पर 10वीं का पेपर होगा उसी पैटर्न पर 9वीं का पेपर होगा, जिस पैटर्न पर 12वीं का पेपर होगा उसी पैटर्न पर 11वीं का पेपर होगा, और ये परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। तो पेपर आपका पूरी तरह से बोर्ड पैटर्न पर होने वाला है, लेकिन ये परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। तो आपके पास थोड़ा सा अतिरिक्त समय है। फरवरी में आपकी परीक्षाएं नहीं शुरू होंगी, बल्कि 11वीं और 9वीं की परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। इसमें डिटेल्ड अगर न्यूज़ में देखें तो प्रदेश में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी, जो कि 6 मार्च से हो रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए पेपर बनाने में ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया है। और राज्य स्तर में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा के लिए ओपन स्कूल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के 14 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। अंक योजना भी बोर्ड जैसा ही रहेगा, मतलब जो आपका ब्लूप्रिंट रहना है, जो मार्किंग सिस्टम रहनी है, वो पूरी तरह से 10वीं और 12वीं के पैटर्न पर ही रहने वाला है। मार्किंग भी उसी तरह से होने हैं। 23 मार्च तक 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं चलेंगी। 6 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक ये परीक्षाएँ चलनी हैं। 6 मार्च से 23 मार्च तक ये परीक्षाएँ चलनी हैं। 9वीं की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि 11वीं की परीक्षा का जो समय है वो 9 से 12 बजे तक होगा। इन कक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क भी इसी अवधि में आयोजित होंगी। जो आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो भी वही उसी समय पर होना है। संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल अपनी सुविधा के मुताबिक इसके लिए तारीख तय कर सकेंगे। मतलब प्रैक्टिकल्स की बात की जा रही है कि प्रिंसिपल अपने हिसाब से तारीखें तय करेंगे। आधे घंटे पहले पहुँचना होगा परीक्षाओं के पहले, ये तो सबको पता होता है। तो टाइमिंग और डेट आपके सामने आ चुका है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 6 से 23 मार्च तक होनी है, और 9वीं की परीक्षाएं 2 बजे से होनी है, और 11वीं की परीक्षाएं सुबह 9 से 12 होनी है। और इसके अलावा ये जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरह से बोर्ड पैटर्न पर होनी है। मार्किंग सिस्टम भी बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही होना है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी अनुरूप करिए जैसे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। उसी पैटर्न पर आप तैयारी करिए और उसी लेवल की तैयारी करिए, क्योंकि आपका भी परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होने जा रहा है। ये अच्छी बात है कि आपको एक महीना अतिरिक्त मिल रहा है। आपकी परीक्षाएं फरवरी में नहीं बल्कि मार्च में होनी जा रही हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ अगर आप के जानने वालों में कोई 9वीं या 11वीं में है तो आप उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि एजुकेशनल जो भी न्यूज़ हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।